गरीब, एक गरीब का नाम है अंबानी, दूसरा गरीब की नाम है अदानी। दो गरीबों को आगे लेने के लिए सरकार चलाता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। उनकी आपने हजारों हजारों करोड़, हजारों हजारों में ये लाखों लाखों करोड़ रुपए देता है। गरीब को एक छोटा सा मकान नहीं देता है, लेकिन अदानी जी को एक एयरपोर्ट देता है। मिनिमम रिक्वेस्ट है अदानी जी, मेरे को एक 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 सिर्फ एक एयरपोर्ट दीजिए, मेरे को एक एक सी पोर्ट दीजिए। एक सी पोर्ट पूछने तो 10 सी पोर्ट देगा, एक एयरपोर्ट पूछने तो 15 एयरपोर्ट देगा। सबसे गरीब है अदानी जी, आपकी परिवार को आगे लेना है, अंबानी जी को देता है। और दोनों पूरा दुनिया की सबसे बढ़िया पूंजीपति बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी कहता है हम आगे चलेगा, हिंदुस्तान आगे चलेगा, हिंदुस्तान की दो पूंजीपति पूरा दुनिया की सबसे बड़े पूंजीपति हो जाएगा। ऐसा रास्ते पे हिंदुस्तान चलता है, जिसको रोक रहा है इसी रास्ते पे चलने वाले हिंदुस्तान की जाति को बदलना है। पूंजीपति का हिंदुस्तान, अदानी का हिंदुस्तान, अंबानी का हिंदुस्तान। गरीबों को कुछ भी इलाका यही मिलेगा, यह राजनीति, इस राजनीति को रोकना है। जो लोग गरीब लोग एकता से आकर आंदोलन चला ले तो इस राजनीति को बदल सकता है। लेकिन मोदी जी क्या करना चाहता है, मोदी जी हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, अल्पसंख्यक जनता के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो अनुसूचित जाति लोग हैं उनके ऊपर हमला करने को समर्थन देता है। आप देखिए जो राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन इलाकों में अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमला चलता है, ज्यादा चलता है। आप देखिए जो भाजपा की राज्य है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा हमला उधर चलता है, पुलिस कस्टडी में अल्पसंख्यक लोगों को गोली मारता है, पुलिस कस्टडी में गोली मारता है, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को हिंदुस्तान के अंदर काम नहीं मिलता है, हर साल वो बाहर जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, कनाडा जाता है, इंग्लैंड में जाता है, अमेरिका जाता है, उधर उधर उनको काम मिलता है, काम नहीं मिलता है। बहुमत नौजवान उधर जाता है, उनको काम नहीं मिलता है। हर साल में हिंदुस्तान से लाखों करोड़ रुपया जो विदेश जाने वाले छात्र अमेरिके को देता है, इंग्लैंड को देता है, लेकिन उनको उधर भी अच्छा रोजगार नहीं मिलता है। तो मोदी की राज्य में ग्रामीण इलाका में रोजगार में बढ़ोतरी हुआ, मोदी की राज्य में अर्बन एरिया में रोजगार नहीं मिलता है। और एक कार्यक्रम है हमारे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी रोजगार योजना, इसके अनुसार वादा है 100 दिन की काम देगा, सिर्फ वादा है, 50 दिन की काम भी नहीं देता है, 50 दिन की काम भी नहीं देता है। और जो उद्योग है वेतन है इसमें बढ़ोतरी भी नहीं होता है, एक साल के बाद बढ़ोतरी कितना है, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वादा सांसद ने दिया। जो न्यूनतम वेतन है हर राज्यों में उस न्यूनतम वेतन हम बंदे करना चाहिए। हिंदुस्तान में एक ही राज्य में ऐसा वेतन गरीबों को नहीं मिलता है। सरकार कोशिश कर रहा है एक
मनरेगा को बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक ठाक अलॉटमेंट राज्य को नहीं देता है, वेतन बढ़ोतरी करने के लिए पैसा नहीं देता है, सहूलियत की काम देने के लिए अलॉटमेंट नहीं देता है। दिल्ली से बजट है, बजट में पैसा की अलॉटमेंट नहीं देता है, पैसा राज्य देता है। हमारे बंद है, अभी रोजगार में बढ़ोतरी होता है, 200 दिन की काम दीजिए, 600 रुपया मिनिमम वेज दीजिए, 600 नहीं देता है, 400 नहीं देता है, 150 रुपया देता है, 200 रुपया देता है। हमारा खेल रहा है वर्षों की सरकार है, उधर विद्या दिन की काम देता है, हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से पैसा नहीं आया तो भी केरला में काम देता है, 100 दिन की काम देता है, 100 दिन से ज्यादा भी काम देता है। 100 दिन की काम देने के बाद काम करने वाले गरीबों को 1000 रुपए की बोनस भी देता है केरला के अंदर। तरीका अलग है, हिंदुस्तान में भूमि हीरो की जमीन देता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो सरकार है राज्यों में, उन राज्यों में एक ही राज्य में गरीबों को एक सेंट जमीन नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा जमीन ही भूमि ही परिवार कहां से, कौन है चतुर्थ कहां से, अल्पसंख्यक लोग है, एक मजदूर है, एक मजदूर में आधा लोग भूमिहीन है, उनको भूमि देना है, मकान देना है, जमीन मकान मिनिमम सुविधा सामूहिक सुरक्षा गरीबों की देना है। यह दिल्ली में सरकार ऐसा है गरीबों को सामूहिक सुरक्षा नहीं देता है। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.